दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संकट की घड़ी में अमृत का काम करने वाली ऑक्सीजन आखिरकार बनती कैसे है। दोस्तों जो प्राकृतिक हवा हम लेते हैं उसी से ऑक्सीजन बनाई जाती है, परंतु उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन और अन्य गैसें होती है। इसलिए सबसे पहले प्राकृतिक हवाओं को एक फिल्टर से गुजारा जाता है जिसके कारण उसमें उपस्थित धूल कण अलग हो जाते हैं। इसके बाद उस हवा पर दाब डाला जाता है जिसके कारण उसका आकार कम हो जाता है। फिर इसमें उपस्थित जल, कार्बन, हाइड्रोकार्बन आदि को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद उस गैस को -173 डिग्री सेल्सियस वाले कोल्ड बॉक्स में डाला जाता है जिसके कारण वह गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। फिर उस लिक्विड को एक ऐसे टैंक में डाला जाता है जिसमें 3 चैम्बर बने होते हैं और वो लिक्विड इन तीनों चैम्बर में अलग अलग बट जाता है, जिसमें सबसे नीचे ऑक्सीजन, फिर आर्गन और सबसे ऊपर नाइट्रोजन उपस्थित होती है। इसके बाद ऑक्सीजन वाले लिक्विड को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस के बारे में काफी कुछ पता चला होगा, और यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IMT को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।